हाय फ्रेंड्स, आपके YouTube चैनल SKPY रवि सर में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा पर्यावरण से रिलेटेड मुद्दों पे थी, जिसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा था अपना पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाने के लिए पेड़ों को कैसे लगाया जाए, किस टाइप से पेड़ों का इफेक्ट होता है। यदि आपने हमारी पहली दो वीडियो अपलोड कर रखी हैं, हमने उनको देखा नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उनको देख सकते हैं। हमारे इंटरेस्टेड फैक्ट हैं उनमें अंदर, तो अपन उससे रिलेटेड फिर अगला फैक्ट लेके आए हैं आज अगेन। तो आपका स्वागत है अगेन हमारे चैनल के अंदर। तो देखिए, जो पेड़ों की उम्र बढ़ती है ना, उसकी वृद्धि के साथ साथ उम्र बढ़ रही है, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था आपको कि पेड़ों की मृत्यु उसकी एज के अकॉर्डिंग नहीं होती, एज के द्वारा नहीं होती, कोई और ही कारण हो सकता है उसकी मृत्यु का, ठीक है। तो जैसे जैसे पेड़ों की उम्र बढ़ती है ना, उसकी वृद्धि के साथ साथ उसकी जड़ें उतनी ही गहरी होती जाती हैं। अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि दुनिया में सबसे गहरा जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर अंजीर का पेड़ है, जिसकी जड़ें कितनी गहरी हैं, आपने देखा नहीं तो अगेन देख लेना आप फर्स्ट वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में जाके आई बटन पे जाके देखो, 400 फीट गहरी हैं वो जड़ें। आपको मैंने वो फोटो भी दिखाई थी, एक पेड़ है अंजीर का दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, जिसकी जड़ें 400 फीट तक गहरी हैं, ठीक है। अगला फैक्ट देखिए जो बहुत ही इंटरेस्टेड है, ये फैक्ट इतना शानदार है कि ये इसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं, 99% नहीं जानते। तो देखो, सिर्फ 10% खुराक पेड़ होते ना, पेड़ अपनी जो खुराक बनाते हैं ना, खुराक का मतलब वो खुराक नहीं, खुराक का मतलब अपना खाना पीना करते हैं ना, तो वो केवल जमीन से ही नहीं लेते, एनवायरनमेंट से लेते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब जमीन ही नहीं है, हवा। केवल 10% अपना खाना जमीन से बनाते हो, केवल 10%, और बाकी का 90% है ना, जो इन्वायरमेंट के अंदर मिनरल्स हैं, इन्वायरमेंट में मतलब हवा के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो गैसेज हैं, उनसे वो अपना खाना बनाते हैं। तो सभी लोग ऐसे सोचते हैं कि पेड़ों को जड़ों से अपना खाना मिलता है, नहीं, उससे केवल वो 10% ही अपना खाना बनाते हैं, 90% हवा या वायु से बनाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो इस टाइप से कि वो जड़ों से खाना बना, वो जड़ों से 10% बैक्टीरिया मतलब न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो किस टाइप से लेते हैं, सॉइल से, माइक्रोबेन है, पोटेंशियल आइडोफैक्टेसिया है, ये देखो। उससे बाद जब इन्वायरमेंट से लेते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो सूर्य की उपस्थिति में होती है, ठीक है, तो उससे खाना बनाते हैं, तो वो भी तो अपने वायु के अंदर उपस्थित है ना, जब सूर्य आएगा तो उससे वो खाना बनाएगा अपना, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई छोटा पेड़ है, एक जैसे अपना कोई नीम का पेड़ है, उसके नीचे मिर्च की पौध लगा दी, ठीक है, तो जो एक तो साइड में होंगे पेड़ की छाया के अलावा, जो शैडो होगी उसके अलावा, और एक पेड़ के नीचे होंगे, तो आपको पता है ये चीज कि जो छाया के अंदर जो पेड़ होंगे, छोटे छोटे पौधे बोल सकते हो, उनकी साइज ज्यादा होगी, और जो छाया में नहीं होंगे उनका साइज कम होगा। क्यों? क्योंकि पेड़ सूरज की तरफ जाना पसंद करते हैं, क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, वो सूर्य की उपस्थिति में ही हो सकती है, तो वो कोशिश करते हैं कि हमें सूरज के दर्शन हो जाएं। अब सूरज के दर्शन तो नीम के नीचे तो कैसे होंगे, तो वो कोश बढ़ते जाते हैं, और एक होते हैं जो छाया के साइड में होते हैं, ठीक है, वो कम ही बढ़ते हैं। अब देखो, ये चीज तो हो गई, लेकिन एक इसका ड्रॉबैक ये है कि छाया के अंदर जो पेड़ होते हैं ना, वो बड़े तो खूब हो जाते हैं, लेकिन उन पर कैपेसिटी फल लगने की वो 70% कम हो जाती है। उस पर 100 फल लगे ना, लगते होंगे, तो उस पर 30 फल ही लगेंगे। इसका कारण है उसकी पूरी ताकत है ना, उसकी लंबाई बढ़ाने में चली जाती है। और दूसरी तरफ देखें, जो छाया में नहीं है वो पेड़, जो छाया में जो पौधे हैं वो नहीं है, जो धूप के अंदर हैं, जो प्रकाश ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं, उनके ऊपर 100% फल की कैपेसिटी रहती है आने की। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर रहे हैं, उनकी जो न्यूट्रिशन है वो लंबाई उसके पेड़ को बढ़ाने में नहीं गई, ठीक है। तो ये कैसा लगा आपको ये फैक्ट जानने के, और बताते हैं हम एक और आपको। देखिए, ये वाला बहुत ही शानदार है। धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए, धरती पर एक पेड़ तो अपलोड करके देखिए, बादलों के सैकड़ों झुंड आएंगे लाइक करने के लिए, इसलिए आप भी हमारे चैनल को लाइक कर दो, क्योंकि हम भी आपके उस टाइप के ही हैं फ्रेंड। किस टाइप के? जो पेड़ बादलों के झुंड होते हैं उस टाइप के, ठीक है। तो हमारे चैनल से बने रहें, इस टाइप के वीडियो और अपलोड करने हों
हमें उसके बारे में जानकारी दें। यदि आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। और पेड़ों को, अस्तित्व को बनाए रखें। सेव द ट्री, लाइफ बनी रहेगी आपकी, इससे पर्यावरण का अस्तित्व भी बना रहेगा, अपना अस्तित्व भी बना रहेगा। थैंक यू।